पीएम मोदी जी एक नई स्कीम लाए हैं डीमोनेटाइजेशन की अचानक से, जिसमें कि अब 500 और 1000 के नोट अब इलीगल हो जाएंगे। वो कहते हैं कि इससे करप्शन कम होगा, इससे ब्लैक मनी वापस आएगा और इससे जो नकली नोट बन रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो पहली बार सुनने में मुझे लगा वाह बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, मैं भी इससे खुश था, बहुत सारे लोग खुश थे, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास काला धन रखा है वो अगर अब बैंक में डिपॉजिट कराने जाएंगे तो बैंक वाले उनकी सैलरी से कंपेयर करके बता देंगे कि इन्होंने टैक्स की चोरी करी है, इनकी सैलरी इतनी है ही नहीं जितना पैसा ये डिपॉजिट करा रहे हैं। लेकिन इस बात पे ऑपोजिशन पार्टीज ने यह सवाल उठाया कि ज्यादातर पैसा तो अपना स्विस बैंक में रखा है या फिर लोगों ने इसको गोल्ड में बना लिया, किसी और एसेट में बना लिया है। अब ये बात भी सही है, इससे पीएम मोदी खुद एग्री करते हैं, उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि ज्यादातर पैसा तो स्विस बैंक में ही रखा है। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मनी तो वापस आएगा, चाहे वो 1-2% ही क्यों ना हो। लेकिन अब 3-4 दिन बाद जैसे जैसे स्कीम के बारे में और पता चलता है वैसे वैसे और ये ज्यादा लग रहा है कि ये पूरी स्कीम सिर्फ एक चुनावी झुमला थी, इसकी इफेक्टिविटी बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे जश्न के पीछे सरकार ने छुप छुप के कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि जिससे ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनमें से आधे आधे स्कीम से बच जाएंगे। पहला डिसीजन ये है कि इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है एंटी करप्शन एक्ट में। इस अमेंडमेंट की वजह से अब सीबीआई या कोई भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती करप्शन पर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय, एक पियोन से लेके एक सेक्रेटरी तक, किसी को भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती विदाउट परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी गवर्नमेंट खुद ही है। जितेंद्र सिंह कहते हैं हम ये इसलिए लाए हैं लॉ में अमेंडमेंट ताकि सारे ईमानदार ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। भाई साहब, ईमानदार ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, किसे बेवकूफ समझ रहे हैं आप? किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो है करप्ट पॉलिटिशियंस, और अब आपके इस अमेंडमेंट की वजह से सारे करप्ट पॉलिटिशियंस सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले इस डीमोनेटाइजेशन की स्कीम से सेफ है। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट चाहे तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को और गंदी तरह टारगेट कर सकती है। अब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को परमिशन देंगे नहीं भ्रष्टाचारी नेताओं पे इन्वेस्टिगेट करने की, और ये खाली ऑनेस्ट ऑफिसर्स पे परमिशन दे देंगे इन्वेस्टिगेट करने की। एक और चीज जो गवर्नमेंट ने बोली थी वो ये है कि अब जो मंदिर है, मंदिरों के डोनेशन बॉक्सेस में जो पैसा कलेक्ट होता है वो इस चीज से एग्जेम्प्ट है, उसमें उसकी कोई अपर लिमिट तक नहीं है, उसमें कितना भी पैसा कैश डिपॉजिट हो उस पर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसका मतलब जितने भी ये रॉन्ग नंबर बाबाज है, रॉन्ग नंबर साधुज है, ये सब इस एक मंदिर को मनी लॉन्ड्रिंग का हब बना देंगे। तो दो सबसे बड़े करप्ट इंस्टीट्यूशंस, एक ये रिलीजन का धंधा करने वाले और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ब्राइब मांगते हैं, दोनों को इनसे इस स्कीम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरी चीज जो उठी थी वो थी कि बीजेपी के कुछ लोगों को इस स्कीम के बारे में पहले से ही जानकारी मिल गई थी और उन्होंने अपने पैसे को पहले ही ठिकाने लगा लिया। इनफैक्ट खाली बीजेपी वालों को नहीं, बहुत सारे लोगों को इस स्कीम के बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने अपने पैसे को पहले ही फॉरेन में भेज दिया या उसको गोल्ड में कन्वर्ट करा लिया, कुछ कर लिया। इस चीज के बहुत से प्रूफ मौजूद है। सबसे बड़ा प्रूफ ये अखबार ही है, एक ये गुजराती अखबार है जिसमें एक खबर आई थी कि 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं तो आप इनको यूज करना बंद कर दीजिए। ये 1 अप्रैल 2016 में आई थी ये खबर। दूसरी सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, 8 अप्रैल की। इन्होंने लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट थी कि काफी सारे लोगों ने अपना कैश विदड्रॉ करना शुरू कर दिया क्योंकि मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं, तो लोगों ने कैश निकाल के उसको सेफ एसेट्स में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि गोल्ड में या कुछ और खरीद लिया उस पैसे से। 8 अप्रैल, ये चीज 6-7 महीने पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद सवाल ये उठा था कि फ्यूचर में जो करप्शन होगा उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, नए नोट्स में कुछ खास बात है क्या? नहीं तो क्योंकि 2000 का नोट 1000 के नोट से बड़ा होता है तो फ्यूचर में ब्लैक मनी कलेक्ट करना और आसान हो जाएगा, जो कि सेंस बनाता है, ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पे रूमर उठाया कि नए नोट्स में एक नैनो जीपीएस होगा। वो कहते हैं कि नैनो जीपीएस सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट करके सरकार को बता देगा कि आप ब्राइब दे रहे हो तो आप पकड़े जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। इनफैक्ट नए नोट्स में एक भी नया सिक्योरिटी फीचर तक नहीं है। तो ये कहना कि जो पाकिस्तान से नकली नोट्स बन के आ रहे हैं या बनने कम हो जाएंगे फ्यूचर में, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि नए नोट्स में कोई भी सिक्योरिटी फीचर नए नहीं है। एक और चीज जो डीमोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में उठी थी वो थी कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसमें मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ये आपको सोशल मीडिया पे खुद ही दिख रहा होगा या आपको खुद ही एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होगा।
लेकिन जो बाकी सारे रीजंस मैंने बताए उन रीजंस को देखते हुए इस पूरी डीमोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में ये कहा जा सकता है कि एक कदम आगे की ओर देखा लेकिन चार कदम पीछे चले। तो ये थी मेरी राय स्कीम के ऊपर। धन्यवाद।